देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पुराने साल 2020 के अख्तिताम के साथ ही पुलिस कमिश्नर ऑफिस हैदराबाद में एक तकरीब मुनाकिद हुई और इस तकरीब में कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस ने केक काटकर नए साल 2021 का इस्तकबाल किया। इस मौके पर इनके हमरा कमिश्नरेट हैदराबाद डीसीपी एसीपी भी मौजूद रहे और मौके पर कमिश्नर हैदराबाद ने आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। से पहले नए साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं मुबारकबाद। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से, हमारे सभी कलीग ऑफिसर्स के तरफ से, हैदराबाद के तमाम सिटीजन्स को, सभी को नए साल 2021 में यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे शहर में जो, हमारे देश में जो एक कोरोना का एटमॉस्फेयर है, ये जल्दी ख़त्म हो। सबसे पहली उम्मीद हमारी 2021 से यही है और उसके बाद जो 2020 में जो लॉस हुआ, खास करके जो गरीबों को नुकसान हुआ, छोटे बिजनेसमैन को नुकसान हुआ, उन लोग सबको 2021 में एक नया मौका मिले, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आए, जिससे कि वो लोग अपना इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव करें, बिजनेस इम्प्रूव करें, घर की आमदनी इम्प्रूव करें और अपने बच्चों, अपने परिवार को बेहतर से बेहतर तरीके से देखभाल करें। आज इस नए साल पे पुराने साल को जब हम याद करते हैं तो हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, हर एक होमगार्ड ऑफिसर्स, कांस्टेबल ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर तक, हर एक घंटे जो उन्होंने मेहनत करके गुजारे हैं शहर में, चाहे वो कोरोना से फाइटिंग करने का हो, फ्लड के टाइम का रिलीफ हो, इलेक्शन के टाइम का हो, इतना अच्छा टीम वर्क, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, ये बिल्कुल यादगार रहेगा और ये हमारे जहन में, हमारे दिल में हमेशा रहेगा। आज एक बार फिर आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि आने वाले समय में, जब तक ये कोरोना पूरी तरह से नहीं जाए, प्रिकॉशन लीजिए और अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और नए साल में अल्लाह सुबहानहू तआला से, भगवान से गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सबको नया ताकत दें, नया जोश दें, जिसमें कि हम अपने शहर को, अपने स्टेट को और अपने देश को और बेहतर से बेहतर बनाएं। शुक्रिया।